तीन है यार, एक आ जाओ एक ही आ जाओ। निशानी बता दूंगी भाई जिसकी अरदास आई। घर में दो बेटे हैं भाई, घर में दो बेटे हैं, एक की शादी है एक हुआ रहा भाई। इतना शोर मत करो, शोर मत, बिल्कुल भी नहीं, साइलेंट बैठे रहो। ये नहीं बोल रहा, ये समय लगाएंगे और किसी का नाम दो बच्चे तेरे हैं, एक की शादी एक कुंवारा। पूरी शादी नहीं मैरिज हो रही है, कोर्ट मैरिज है। उसका पूरी नहीं होती क्या, वो तो पूरी हो जाती है। वो तो जो लड़की जा रही है वो बाहर भेजने के चक्कर में, मतलब बाहू वहाँ पे कोर्ट में होगी ना, वो पूरी होगी या वो तेरे घर आई ना हो, तेरे मतलब बच्चे की हो गई मान, हाँ ससुराल बन गया है, ठीक है ना राजी, उसी चक्कर में आया तू। मैं बाहर भेजने के चक्कर में आया, मेरा लड़का बाहर आ गया, उसका काम बंद हो रहा। बच्चे का नाम जय अभिषेक है। आया कहाँ से है? मैं तो करनाल के पास बजिद्दा स्टान से आया। करनाल के पास बजिद्दा स्टान गाँव है जी। बच्चे का क्या नाम बताए? जय अभिषेक। और तेरा? रमेश। जय अभिषेक दो बच्चे, उनका दोनों का नाम बताया ना तूने? नहीं जी, एक का नाम, एक का ही नाम है जय अभिषेक। जो बाहर है उसका नाम जय अभिषेक है जी, ऑस्ट्रेलिया सिडनी। अरे बाबू ये तो मतलब कि जो होता है कानूनी की भी किसी से ये कोर्ट मैरिज ये करके ले जाते हैं वहाँ, मतलब कि वो वाला शादी। हाँ जी ये तो वो वाला नहीं, ये तो मतलब बगैर शादी के रह रहा है, छोटे की जो वो दिखाने में उधर दिखाना पड़ता है, वो शादी की भी जैसे टिकने दे 6 महीने उसके बाद पक्का हो जाए तो फिर दुनिया के। हाँ वो वाला तारीख उसका कुछ, वो कुछ नहीं कर रहा जी, वो तो सिर्फ लोग। अरे वो तू मेरी नहीं समझ रहा, हाँ ये समझेगा नहीं, हिंदी में समझा। उसकी पढ़ाई पूरी हो रही, वो प्यार नहीं रहा जी अब तक। वही तो है फिर, हाँ वो इसीलिए जैसे हो जाता है ना जोड़े बच्चे आजकल चला हुआ है कि जोड़ा शादी करके दिखाना होता है, पैसे रहने नहीं देते दूसरे देशों में। हाँ तो वो सफलता चाहता है क्या बच्चे की, जो रुका हुआ कागज है पक्का हो जाए वो? आज मैं माता जी ये चाहता हूँ मेरे बच्चे को काम मिल जाए, पक्का हो जाए। काम तो मिल जाएगा पहले ये बता, लेकिन वहाँ तो बाबू उल्टे पुल्टे काम हो रहे हैं। माता जी आप ही कराओ, जो कराओ। ये बीच में अधूरा जागरण पड़ा है भाई, ये कब करवाएगा तू पहले ये बता मुझे। माता जी तू मुझे आगे से आके तसल्ली दिया जाया कर, और कार्य करवाता रहा। माता जी जागरण कराऊंगे, आपको बुलाऊंगे। नहीं कभी किसी चौकी कभी किसी दरबार कभी किसी काम करवा लिया, आगे जागरण का नाम नहीं लेना तुमने। ऐसे हो रहा है, ये तेरी माई बैठी है वहाँ भी तेरी माई। हाँ जी मकान आदर में पड़े माता जी, मकान पूरा बैठने की जगह मेरी दिलवाई हुई, गाड़ी आगे मेरा चढ़ाया होया ठीक है, नोटो की गड्डी मेरी हुई, जागरण मेरा नहीं, तू चाहता तेरा बस ये है। जो जवान से मैंने दे दिए वचन सारे पूरे किए। हाँ जी तो बच्चे तू भी कर दे मेरे। हाँ जी कर दो माता जी, 5 बंदे बिठा के ही कीर्तन कर दे, उसी में खुश हो जाऊंगी ठीक है। देख तेरा कागज बच्चे का रुक जाए या तेरा काम रुक जाए फिर कही हो ठीक है। बाकी है पीर भाई, पीर का भगत है इससे थोड़ा सावधान बच्चे। सावधान मैं वो ही कह रही हूँ, वो तेरी गलती के कारण रची ठीक है। सब कुछ बंद सारे दिशान दिखाती थी, अब सारे बंद हो गए, तुझे पता चल जाया करता था जब आगे नुकसान होता था, तो अब कहाँ गया है बाबू? माता जी मैं तो उकलाना जाना था जी, वो आगे जान दिया जी मैं। तो इन चीजें ये जाने देगी बच्चे, तभी मैं कह रही हूँ कि सावधान, इतना ही समझ लियो ज्यादा मैं पाड़ूंगी नहीं।
ठीक है, तू जाने और मैं जानू, क्या फायदा दुनिया को दिखाने का। माता जी छोटे बच्चे का फाइल लग रही जी, 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 मतलब और मैंने क्या बोला अभी समझ में आ गई, छोटा करवा दे कीर्तन जो सालों से पड़ा अधूरा उसको कर, सवा महीने के अंदर दोनों कार्य कर दूंगी। या तो जुबान मत दिया करो और जुबान दे दे बच्चे तो फिर उसको पूरा भी कर दिया करो।